हमारे गणेश मुंडे और शमीम भाई जो कि समाज सेवा का कार्य करते हुए शिलपाटा चौक पे पूरा पानी भर गया है। सतीश मिश्रा, कृष्णा मड़ीवाल सभी के साथ ये समाज कार्य का कार्य करते हुए अभी इस वक्त हम लोग हैं शिलपाटा जंक्शन पे खड़े हुए हैं। मैं बताना चाहता हूँ आज जो बारिश के हालात है उसमें हम लोगों ने जो अपना सर्वे किया, हमारे बहुत सारे साथी होंगे हम लोग यहाँ मौजूद हैं, लेकिन मैं दिखाना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से ये जो काम है, जो काम एमएनआरडीए ने किया है, पानी का कोई बहाव नहीं है। अभी जेसीबी लेकर के इसके अलावा मैं दिखाना चाहता हूँ एमएनआरडीए की टीम को, वो नाला है आप दिखाइए वहाँ कैमरा आपका, ये नाला है जिसको एमएमआरडीए के जो कॉन्ट्रेक्टर है एनए कंस्ट्रक्शन यानी नासिर अली जी को, उनको मैंने आज मॉर्निंग बात किया, रात में 1:20 पे एमएमआरडीए के कमिश्नर साहब जाने बोले, हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब ने बात किया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब तक कोई इसका सही पर्याय नहीं आ सका। केवल इसके नीचे मोटे मोटे हैं, अभी यहाँ से बताने आना हुआ है, आप ये हैं बता रहे हैं कि यहाँ पे नौ केबल है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एमएमआरडीए की टीम से, कल हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब ने भी बात किया है कमिश्नर साहब से एमएमआरडीए के, रात के टाइम पे 3 बजे मनीष जोशी साहब आए थे दौरा करने के लिए, उन्हें हमारे कमिश्नर साहब ने भेजा था। उसके बाद हमारे अपोजिशन लीडर, हमारे नगर सेवक बाबा जी पाटिल साहब, हीरा पाटिल साहब, हम लोग सब लोग यहाँ पे लगे हुए हैं और भी लोग लगे हैं सब तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन इसका सही सोल्यूशन कौन निकालेगा? जब एमएमआरडीए ने रोड का काम किया, एमएमआरडीए ने फाइबर का काम किया, तो एमएमआरडीए का काम यही था, जो काम नाले का है उसको बारिश के पहले सही करना चाहिए था। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं कोई कमेंट या तंज करने नहीं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे, लेकिन एक बार जरूर कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि आज जो ये परेशानी का सबब बना हुआ है, आप दिखाओ दोबारा आपके कैमरे के माध्यम से, ये शिलपाटा जो सर्कल है यहाँ का ये जो नाला है, जो नाला पानी को आगे निकालना चाहिए, वो क्या होता है पहाड़ी का पूरा पानी यहाँ आ रहा है और उस पानी को डाइवर्ट करके उस तरफ जा रहा है और आगे के जाकर के जो नाले हैं जो फसल है, तो उसके हिसाब से ये बिल करके इनको ये काम को करना चाहिए। और मैं आवाम से रिक्वेस्ट करता हूँ और जो भी रास्ते में है उन्हें रिक्वेस्ट करता हूँ कि फिलहाल इस वक्त शिलपाटा इलाके में आप मत आएँ, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ जाम है, पानी भरा हुआ है, जब तक कि बारिश कम नहीं होता है और जब तक कोई सही उपाय नहीं निकलता है हम लोग बताएं। अभी देर से हमारी बात हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब से भी हुई है, वो और भी कोशिश में लगे हुए हैं, यहाँ के स्थानीय और भी जो नेता लोग हैं वो भी अभी कोशिश में लगे हुए हैं, सब लोग पर्याय में हैं, लेकिन एमएमआरडीए से कहना चाहता हूँ आप लोग प्लीज़ जिस तरीके से पानी कम होता है आप उस नाले को, जो अभी हमने बताया आपके माध्यम से, सबसे पहले उसका उपाय करो, नहीं तो और जो आप लोगों ने रोड का काम किया है वहाँ पे आप लोगों ने फोर कटिंग नहीं किया जिससे पानी जाए नाले के अंदर, वो भी नहीं किया, तो ये पानी का और जो आगे कल्याणपाड़ा के पास वहाँ पे जो आपको आपने जो एक लाइन दिया है जो मोरी छोटी कर दिया उसका उसका आउटलेट उसको बड़ा करना चाहिए, कलवट इस तरीके से जब तक इसका पर्याय नहीं निकलेगा उसका सुधार नहीं होगा।